नारायणपुर में एक बड़ी मुठभेड़ के बाद एक सफलता मिली जिसमें 10 नक्सलियों को मारा गया है, जिसमें कई बड़े लीडर भी शामिल हैं। और अब 36 घंटे बाद ये जो डेड बॉडी है नक्सलियों की वो यहाँ पहुँची है, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेड बॉडी अभी तक लाई जा रही है, क्योंकि एक बड़ी मशक्क़त का काम था। जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी उस क्षेत्र से यहाँ तक डेड बॉडी लाने का एक बड़ा टास्क था, उसको भी पुलिस वाले ने बखूबी निभाया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो नक्सलियों के साथ से एमुनिशंस प्राप्त हुए उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सामान उनसे प्राप्त हुए, ये देखिए उनका कंप्यूटर है, प्रिंटर है जिससे वो विज्ञप्तियाँ जारी करते हैं, सोलर लाइट है, टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, मतलब पूरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इनकी हैं। और ये जो उनके जो बैग होते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से ये अपने बैग में टांगते हैं, एक बक्सा भी, बहुत बड़ा बक्सा भी इनको मिला है साथ में। इनके साथ इनका त्रिपाल है, हेलमेट्स हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे इनको मिला है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि साथ बैग्स भी हैं जिसमें खाने बनाने का सामान वगैरह रखा था, मिक्सी भी रखी हुई है। और साथ में ये जो हथियार है, ये हथियार आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हथियार हैं, पहले LMG है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे AK-47 है, और साथ में ये मोर्टार है, इसमें आपको LMG मिल जाएंगे, वायर जो जिसे ब्लास्ट किया जाता, और काफ़ी एमिनेशंस यहाँ पे मिले हैं। और साथ में मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये जो बॉडियाँ यहाँ पे पीछे पड़ी हुई हैं ये उन नक्सलियों की बॉडी है जिन्होंने पुलिस ने, जो बस्तर पुलिस ने, STF ने और DRG की टीम ने मार गिराया है। कुल मिला के 10 जो डेड बॉडियाँ हैं यहाँ पे रिकवर कर ली गई हैं, और यहाँ पे पुलिस लाइन नारायणपुर में ला के रखा गया है। साथ ही मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो इनके सामान है रोज़मर्रा के, जो नक्सलियों के सामान है, किस तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। जो इनका एक अच्छा खासा कैंप वहाँ पे था, जो इस वजह से कि बताया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने एक मचान बना के रखा हुआ था वहाँ पर, और मचान के साथ ही उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वहाँ रखी गई थी। ये बैटरी बैकअप के लिए भी रखा है, कि मीटर्स कुछ रखे हुए हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से कंप्यूटर मिला है, जो कि साथ में प्रिंटर भी है और बैटरीज भी हैं, तो इसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की इनकी तैयारी थी और किस प्रकार से तैयारी रखते हैं। और साथ में सोलर लाइट, जब भी रात को यहाँ पर रहते हैं तो उनको लाइट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि अगर जिस तरीके से जो इन्होंने रिकवर किया और बड़ी मशक्क़त से यहाँ पे लाके रखा गया है, और ये जो दवाइयाँ हैं उनके इलाज के लिए कभी कभी जो फर्स्ट एड जो दवाई जिसे बोल सकते हैं वो हैं, जो कि इनके इस्तेमाल के लिए रखी जाती थी। अब साथ में अगर हम बात कर रहे हैं इन बॉडियों की, तो ये बॉडियाँ यहाँ लेके आ चुके हैं। और साथ ही जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके से जो इनका कंप्यूटर है, वहाँ कंप्यूटर से क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। TV9 भारतवर्ष के लिए नारायणपुर से मैं सुमित सेंगर।